हेलो बच्चों, मैं सुनीता एसडीएस विद्यापीठ से एसडीएस विद्यापीठ ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, न्यू ईयर आने वाला है और न्यू ईयर पे हम एक दूसरे को यानी अपने फ्रेंड्स को और अपने रिलेटिव्स को गिफ्ट्स कार्ड बनाकर देते हैं या फिर गिफ्ट देते हैं। तो उसी लिए हम आज सीखेंगे एक गिफ्ट कार्ड बनाना, जिससे आप घर पर ही बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स बनाकर अपने फ्रेंड्स को दे सकते हैं, जिससे कि उन्हें ये बहुत पसंद आएगा। तो बच्चों, चलिए हम इसे सीखना स्टार्ट करते हैं। और ये बहुत ही सिंपल है, जिससे आप घर की ही चीज़ों से इसे बना सकते हैं, जिससे कि आपको बाज़ार की जो महंगी गिफ्ट्स हैं और कार्ड्स हैं उन्हें खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप यहाँ पर पहले देख लिया जाए कि हमें वो गिफ्ट कार्ड बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है गिफ्ट कार्ड बनाने के लिए बच्चों? हमें चाहिए होता है कार्ड पेपर। तो हमने यहाँ चार कलर के यानी फोर कलर्स के पेपर्स लिए हैं, जिसमें ये है कार्ड पेपर जो टाइट वाला होता है, इसे हम फ्रंट पे रखेंगे, ये पिंक कलर का है। और हमने तीन अलग कलर के पेपर लिए हैं, येलो, वाइट और ग्रीन। ठीक है, यहाँ हमने चार कलर्स के पेपर लिए हैं क्योंकि हमें गिफ्ट कार्ड को अच्छी तरीके से डेकोरेट करना है। ठीक है, और सेकेंड आपको लेना है स्केच कलर्स। क्या लेना है? स्केच कलर्स, फिर फेविकोल, सीजर, आपके पास मार्कर हो तो भी चलेगा कोई भी कलर का। और डेकोरेशन के लिए ये बीड्स हमने लिए हैं, ये गोला प्रकार, और पेंसिल, और ये स्पार्कलिंग स्टार, जिसे हम अपने तरीके से इसमें डेकोरेशन के लिए यूज़ करेंगे। ओके, और यहाँ पर हमने क्या किया है, कुछ छोटे छोटे स्मॉल पोस्टर्स बनाए हैं जिसे हम कार्ड में यूज़ करने वाले हैं। आप इन्हें अभी देखिएगा, जिससे आपको भी समझ आएगा कि इसमें हमें कैसे इनको कटिंग करना है। ठीक है, तो आप ये जान लीजिए, ये हमें कार्ड, ये कलर पेपर लेने हैं फोर कलर्स के, ये कार्ड पेपर है, सीजर, फेविकॉल, स्केच कलर्स, बीड्स यानी पर्ल्स भी आप ले सकते हैं जो स्टिकर के तरीके से मिलते हैं मार्केट में, और ये स्पार्कलिंग स्टार यहाँ पर है, गोला प्रकार और पेंसिल। ओके, तो बच्चों हमें सबसे पहले इसमें क्या करना है, जो हमने ग्रीन कलर का पेपर लिया है उसे हमें एक इस तरीके का बनाना है। यहाँ पर हमने एक तैयार कर लिया है और ऐसा ही हमें एक और बनाना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसे कैसे बनाना है। हम इसे पहले इक्वल साइज़ में डिवाइड कर लेंगे ऐसे, ठीक है, और फिर इसे फोल्ड करते करते हम इक्वल साइज़ में करते जाएंगे, जिससे आपको ये मोड़ने के लिए, फोल्ड करने के लिए बहुत इजी पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए हमने इसमें कितने फोल्ड किए हैं, अब ये लास्ट फोल्ड है, छोटे से छोटा फोल्ड हमें करना है क्योंकि हमें इस पेपर को इक्वल साइज़ में डिवाइड करना है। ओके, ये देखिए अब हम इसे खूब अच्छे से यहाँ पर टाइट कर लेंगे, ये हमने टाइट कर लिया, अब हम इसे ओपन करेंगे, ये हम इसे ओपन कर रहे हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि यहाँ पर सारे जो निशान है, जो मार्क है इक्वल साइज़ के, वो आ चुके हैं। अब हम इसे इस तरीके से वन साइड पे फोल्ड करते जाएंगे, इनसाइड, ये आउटसाइड। ठीक है, ऐसे ही हम मार्क जहाँ पर बना हुआ है उनकी हेल्प से इक्वल साइज में इसे डिवाइड करते जाएंगे। ओके, एक बार इनसाइड ऐसे और आउटसाइड। ओके, तो ऐसे ही आप इन दोनों पेपर्स को इक्वल साइज में डिवाइड करेंगे और इनसाइड और आउटसाइड के पोर्शन में इसे ऐसे फोल्ड करेंगे। ओके, एक हमने बना लिया है, एक हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें उसे कैसे बनाना है। ये देखिए, आपको टाइट वाले पेपर्स लेने हैं जिससे आपका कार्ड पेपर बहुत ही बेहतरीन बने और उसे ओपन करने पे आपको बहुत ही अच्छा लुक मिले, जिससे कि आपको बनाने पर भी उसे बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक
ठीक है, हमने पेपर को इनसाइड और आउटसाइड पोर्शन में इक्वल साइज में डिवाइड किया, ठीक है। अब हम इसे यहाँ से फोल्ड करेंगे ऐसे इक्वल साइज में, ठीक है। यहाँ से हम इसे एक बराबर करेंगे और यहाँ नीचे से टाइट फोल्ड करेंगे। अब हमें क्या करना है, जो ये हाफ पोर्शन है हमें इस पर फेविकोल लगाना है, ठीक है। ये हम यहाँ पर फेविकोल यूज़ करेंगे। तो बच्चों यहाँ देखिए हमें इसे क्या करना है, फेविकोल यूज़ करना है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर ऐसे फेविकोल को लगाएंगे, अब हम इसे स्प्रेड कर देंगे यहाँ पर, जिससे कि इसके पोर्शन में, फ्रंट वाले पोर्शन में अच्छे से जॉइंट हो जाए। ओके, तो ये देखिए हमें क्या करना है, यहाँ इसके फ्रंट वाले पोर्शन पे यहाँ पर जॉइंट कर देना है, ठीक है। यहाँ इस जगह हमने इसे जॉइंट कर दिया टाइटली। अब हम इसे ऐसे दबा करके कुछ समय के लिए रख देंगे, जिससे ये अच्छे से जॉइंट हो जाएगा और इससे अलग भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमें इस तरीके के दो पेपर फ्लावर ऐसे बनाने हैं, ठीक है, इस तरीके के दो पेपर फ्लावर बनाने हैं इसमें। अब हम इन्हें साइड में रख देते हैं। अब हम लेंगे पिंक कार्ड पेपर, ठीक है, पिंक कार्ड पेपर हमने ले लिया है। अब हम इसे फोल्ड करेंगे, जैसे गिफ्ट कार्ड्स होते हैं उस पोर्शन में हम इसे फोल्ड करेंगे इक्वल साइज में। ये देखा आपने, ये हमने इसे फोल्ड किया। अब क्या करना है आपको, कि ये जो टू फ्लावर्स हमने बनाए हैं, हम यहाँ पर सीजर रख देते हैं जिसे ओपन रहे। यहाँ पर जो हमने टू फ्लावर्स बनाए हैं, अब हमें इन्हें इस टू पार्ट, ये जो अपसाइड एंड डाउन साइड, ये अपसाइड एंड डाउन साइड का पार्ट है, यहाँ पर स्टिक करना है, ठीक है। तो अब पहले हम इसे यहाँ पर स्टिक करते हैं। हम क्या करेंगे, इसके डाउन साइड और अपसाइड पोर्शन पे फेविकोल लगाएंगे। ये देख रहे हैं आप, ये फेविकोल हमने लगा लिया है और अब हम इसे स्प्रेड करेंगे यहाँ पर। इस पोर्शन पे फेविकोल लग गया है, अब हम इसके बैक साइड पोर्शन पे लगाएंगे, ठीक है। अच्छी क्वांटिटी में लगाइएगा, जिससे ये आपके पेपर पे, कार्ड पेपर पे अच्छे तरीके से जॉइंट हो जाए, ठीक है। तो ये पोर्शन हमारा तैयार है, अब हम इसे स्टिक करेंगे। एकदम इक्वल साइज पे आपको यहाँ पर इसे जॉइंट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कि आपको इक्वल साइज में इसे जॉइंट करना है और ऊपर से इस वाले पार्ट को जॉइंट कर देना है, ठीक है। आप देख रहे हैं ये बराबर साइज में आ चुका है और अब हम इसे पुश करेंगे ऐसे, जिससे ये ऊपर से भी अच्छे से जॉइंट हो जाए, ठीक है। अब हम इसे ओपन करेंगे, आपका पोर्शन कुछ इस तरह से आएगा। ये देखिए, अभी हम इसे पूरी तरीके से ओपन नहीं करेंगे, जब ये अच्छे से इसमें चिपक जाएगा तब हम इसे ओपन करेंगे। अब हमें इस पार्ट को इसमें जॉइन करना है, तो हमें क्या करना है, फेविकोल लगा लेना है। देखिए फेविकोल हम स्प्रेड कर रहे हैं इसमें अच्छे से। आप इसे अपने घर में आराम से बनाइएगा, जैसा आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, आप उसी मॉडल में अगर बनाना चाहें तो आराम से अपने घर पे बनाइए इसे। और भी जो डेकोरेशन की चीज़ें हैं, आप अपने तरफ से यूज़ कर सकते हैं अपने तरीके से उसे ब्यूटीफुल बनाने के लिए, ताकि आप अपने फ्रेंड्स को दे सकें, आप अपने घर में सजा सकें, जिससे आपके फ्रेंड्स भी खुश हो जाएं। ओके, तो ये देखिए अब हम इस पार्ट पे यहाँ पर स्टिक करेंगे इसे। एकदम हमें साइड पर स्टिक करना है ना, हाँ। तो ये देखिए यहाँ पर हमने कर दिया, अब हम इसे नीचे प्रेस करेंगे और इस पेपर को भी इसके ऊपर से जॉइंट करेंगे।
ये देखिए स्टूडेंट्स, हमने इसे ज्वाइंट कर दिया ना, ये अब यहाँ से भी ज्वाइंट हो चुका है। आपका कार्ड पेपर कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा जब ये ओपन होगा। अभी हम इसे पूरी तरीके से ओपन नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसे अभी सूखने देना है, क्योंकि हमने इसमें फेविकोल यूज़ किया है। जब वह सूख जाएगा तो इस पे यह जो पोर्शन है वह अच्छी तरीके से स्टिक हो चुका होगा, तब हम इसे यूज़ करेंगे। अब हमें क्या करना है, इसके इनसाइड का पार्ट लेना है जो हम इसे इसमें अभी लगाने वाले हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, इसको भी हम फोल्ड करेंगे इक्वल साइज में। ये हमने फोल्ड कर लिया, इक्वल साइज में फोल्ड करेंगे। अब क्या करना है आपको कि इसका, तो बच्चों ये देखिए हमने इसे फोल्ड किया है ना, अब हमें क्या करना है, स्केल लेना है और पेंसिल। सबसे पहले हम नीचे से यहाँ से 4 सेंटीमीटर तक यहाँ पर नाप करके यहाँ पर निशान मार्क कर देंगे और यहाँ से 4 सेंटीमीटर लेकर के यहाँ मार्क कर देंगे। ओके, हमें यहाँ पर बीच के पोर्शन में 4 पार्ट्स बनाने हैं, तो हम करीबन 2.5-2.5 सेंटीमीटर और 1.5-1.5 सेंटीमीटर के गैप पे इसे बनाएंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है, 2.5 सेंटीमीटर हमें लेना है, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर हमें यहाँ पे 4 पोर्शन में लेना है और बीच में उनके 1-1 सेंटीमीटर का गैप रखना है। ओके, ये देखिए इस तरीके से जब यह बन जाएगा तब आपको मैं डार्क करके बताऊंगी इसमें, जिससे आपको ये क्लियरली शो होगा, क्योंकि हमें इसे कट करना है। क्या करना है, कट करना है। हम इसे इनसाइड से डेकोरेट करेंगे, इसीलिए हम इसे मॉडल में कट करेंगे, जिससे हम कार्ड पेपर के अंदर अच्छे से डेकोरेशन कर सकें। ओके, तो ये देखिए ये रहा ना, ये हमने 4 पार्ट्स में इक्वल साइज में इसे लिया है। मैं अभी आपको इसका सही मेजरमेंट बता देती हूँ। आप एक A4 साइज़ का पेपर लेंगे जिसमें ऊपर से 4 सेंटीमीटर और नीचे से 4 सेंटीमीटर आप यहाँ पर मार्क कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको इस डिस्टेंस में और 2-2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखना है, उसके बाद 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ बीच बीच में 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर ऐसे गैप रखना है, और इसके साइड में 2 सेंटीमीटर्स और लास्ट में 4 सेंटीमीटर्स। ओके, जिससे आपका यह मेजरमेंट एकदम क्लियर होगा और यह परफेक्ट बनेगा, इनसाइड का जो पोर्शन है वो परफेक्ट बनेगा। अब हमें क्या करना है, इस पार्ट को हम कट करेंगे जहाँ तक हमने मार्क किया है। ये देखिए इस पार्ट को हम ऐसे कट करेंगे, ओनली जहाँ पर हमने पेंसिल से मार्क किया हुआ है। ओके, आप चाहें तो इसके सेंटर का पोर्शन जो है वो इक्वल भी रख सकते हैं, यानी जहाँ पर 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर है वहाँ पर आप जो 1 सेंटीमीटर के बाद 2.3 पॉइंट एक्स्ट्रा ले सकते हैं, जिससे दोनों ही इक्वल रहे, बट ये आपको सही पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखिए ये इस तरीके से आपका पोर्शन तैयार हो गया होगा। तो अब स्टूडेंट्स, हमने इसे काट लिया है ना जहाँ पर हमने पेंसिल का मार्क किया हुआ है, तो उस पेंसिल के मार्क किए हुए पोर्शन को हमें ऐसे अपसाइड करके उसे ऐसे मार्क करना है, ठीक है। अपसाइड करके हमें उसे यहाँ पे मार्क बनाना है, आप उंगलियों से पुश करके उस पर मार्क कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए वो इक्वल में ही होने चाहिए, इस तरीके से, ठीक है।
ये हमने मार्क कर लिया। अब आप इसको ओपन करेंगे और जो हमने मार्क बनाया हुआ था अब हम उसे इनसाइड पर ऐसे लेंगे, ठीक है। ये देखिए इनसाइड पर हम उसे खींच करके ऐसे मार्क बनाएंगे। हम सारे पोर्शन को नहीं करेंगे बट जो हमने उसे साइड में बनाया था उसे हम इनसाइड करेंगे ऐसे। ये हमने ऐसे पकड़ा हुआ है ना इस चीज़ को, इस पोर्शन को हमें अंदर लेना है, इस पोर्शन को बाहर करना है और इस पोर्शन को हमें अंदर लेना है, ठीक है। एक बार हम इसे ओपन कर लेते हैं जिससे ये वाला पार्ट हमारा अंदर चला जाए। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है, ये हमने ऐसे बना लिया और ये हमारा हो गया इनसाइड का पोर्शन, ठीक है। अब हमें इसे ऐसे करके क्या करना है, तो बच्चों ये देखिए हमारा ये पोर्शन इस तरीके से बन गया है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे इसमें ज्वाइन करना है, हमें इसे इसमें स्टिक करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फेविस्टिक, आप फेविकोल भी यूज़ कर सकते हैं, पेपर है इसलिए हम इसे फेविस्टिक से यहाँ पर स्टिक करेंगे। हम पूरे इसके बैक साइड में फेविस्टिक लगा देंगे जिससे ये अच्छे से उस पोर्शन में जॉइंट हो जाए, ठीक है। ये देखिए आपको अच्छे से लगाना है जिससे ये उसमें अच्छे से चिपक जाए। और यहाँ पर हम अभी इसे साइड कर देंगे, ये जो नीचे का पोर्शन है हम इसमें लगाएंगे क्योंकि हम दोनों साइड पर एक साथ नहीं लगा सकते, वरना उसकी जो फेविस्टिक है वो आपके हाथों में या फिर नीचे लग करके ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए हम कार्ड पेपर पर दूसरी साइड लगाएंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर स्टिक करके लगा लिया है सब। अब हम इसे रख देते हैं। ये देखिए ये ऊपर का पोर्शन है जहाँ हमने फेविस्टिक लगाया है, अब हम इसे इनसाइड ऐसे रखेंगे और प्रेस करेंगे जिससे ये अंदर की तरफ स्टिक हो जाए। ये देखिए इस तरीके से हमें इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही प्रेस करना है इसे। तो बच्चों ये देखिए हमने इसे स्टिक कर लिया है, ये अच्छे तरीके से इसमें सूख भी चुका है। हम इसे अंदर से उंगलियों से प्रेस करके अंदर अच्छे से स्टिक कर सकते हैं। ये देखिए हमारा पोर्शन अच्छे तरीके से सूख करके रेडी हो गया है। अब हमें इसे डेकोरेट करना है, तो हम कैसे करेंगे, ये देखिए हम इसे अब अच्छे से ओपन कर सकते हैं। ये जैसे एक फ़ोटो फ्रेम होता है इस तरीके से, उस तरीके से ओपन होगा। ये आप देख सकते हैं कितना परफेक्टली ये ओपन हो रहा है। अब हम इसे यहाँ पर रख देंगे। हमने इनसाइड पे डेकोरेशन के लिए ये बनाया है जिसे हमने वाइट पेपर पे स्केच कलर से हैप्पी न्यू ईयर लिख करके रेडी किया। ये देखिए स्केच कलर से लिखा हुआ है, फिर हमने उसे शेप में कट कर लिया है, जो कि बहुत इजीली आप भी कर सकते हैं। आपको ये बनाने के लिए बाहर से कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है फेविस्टिक और इसके बैक साइड पे हम फेविस्टिक को अच्छे से रब कर देंगे, ठीक है। फेविस्टिक को हम अच्छे से रब करेंगे जिससे ये अच्छे से चिपक जाए। फेविस्टिक हम कहाँ यूज़ करते हैं बच्चों, जहाँ बहुत ही पतला नॉर्मल पेपर होता है तो वो जल्दी से स्टिक हो जाता है, तो वहाँ पर हम फेविस्टिक यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया हैप्पी, ये देखिए ये हो गया हैप्पी वाला पोर्शन, ये आपको ऐसे सही से दिख रहा होगा। यहाँ पर हमने लिख दिया हैप्पी, यहाँ पर हम लिखेंगे न्यू, ये हमने अलग अलग
पेपर में लिख करके कट किया हुआ है, ये देखिए। अब हम इसे डेकोरेटिव तरीके से इस कार्ड पेपर पे जॉइंट करेंगे, ठीक है, जिससे ये अच्छा लगे। अब है लास्ट पोर्शन, ये देखिए हमने रब कर लिया है इस पर फेविस्टिक, और ये रहा हमारा इसका लास्ट पोर्शन यहाँ पे, ठीक है। ये हम अच्छे से इसे ऐसे प्रेस कर देंगे जिससे ये उसमें स्टिक हो जाए। ये देखा आपने बच्चों। अब हमें सबसे बढ़िया वाला पोर्शन जो करना है, हमने लिखा है 2021, ये देखिए। अब हम इसे भी इसमें स्टिक करेंगे, और कैसे करेंगे आप लोग देखिए। हम इसमें फेविस्टिक लगा रहे हैं, ये हमने एक पोर्शन में लगाया। यहाँ जो हमने इस पोर्शन को ओपन किया है, हम इसके ऊपर इसे ऐसे लगाएंगे, ये देखा आपने बच्चों। हम इसके ऊपर इसे ऐसे लगाएंगे जिसके लिए हमने इसे ओपन रखा हुआ है, ठीक है। अब हमें लगाना है ज़ीरो पे, अब आई है ज़ीरो की बारी। आपको इसे डेकोरेट करने पर भी बहुत मज़ा आएगा जब आप इसे बनाएंगे। जैसे जैसे ये रेडी होगा, आपको इसे बनाने में भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यह इस तरीके से बनेगा ही और बहुत ब्यूटीफुल लगेगा, ठीक है। ये ज़ीरो हमने कर दिया, अब है टू, ये रहा टू। आपको अच्छे से इस पे लगाना है, ठीक है, ये हमने लगा दिया टू, और लास्ट है वन। ये हमने लगा दिया वन पे, और ये हम इसे उल्टा करके इसे सही से कर देंगे, ये देखिए। इसे थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करिएगा आप लोग। अब हम इसे नीचे करके प्रेस करेंगे इस तरह से, ये देखिए। अब ये स्टिक हो चुका है ना। हमने एक हॉट शेप भी बनाया है स्केच कलर से, कलर करके आप लोग देख सकते हैं, स्केच कलर से कलर किया हुआ है और पेपर पर कट कर दिया गया है। अब हम इसके पीछे भी फेविस्टिक की यूज़ करेंगे, ये देखिए। अब हमने इस पर फेविस्टिक लगा लिया है, अब हम इसे सेंटर पार्ट में ऐसे लगा देंगे, ठीक है। यहाँ हमने सेंटर में लगा दिया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसमें ट्विस्ट लाएंगे। हमने लिया है मार्कर रेड कलर का, अब हम यहाँ पर छोटे छोटे हॉट शेप बनाएंगे, ठीक है, ऐसे। आप चाहे तो पेपर में कट करके भी बना सकते हैं। तो बच्चे ये देखिए, हमने स्केच कलर से इसके कुछ पार्ट्स में ऐसे हॉट बना लिया, यानी मार्कर हो या स्केच कलर हो, आप किसी के भी ज़रिए इसमें हॉट शेप बना सकते हैं। अब हम इसमें क्या ट्विस्ट करेंगे, जो हमने स्टार्स लिए थे स्पार्कल स्टार्स, अब हम इसमें से स्टार्स को अपने फेवरेट कलर को ले करके इसमें स्टार्स कट करके हम चिपकाएंगे, ओके। तो ये देखिए, हम इसमें से पर्पल कलर ले रहे हैं। अब हमारे पास स्पार्कल वाली कोई चीज़ नहीं है, तो हम यही करेंगे कि हम ये जो स्पार्कल स्टार है इसे छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे,
और इसमें स्टिक करेंगे, ठीक है। आपके पास भी अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं, मान लीजिए आपके पास सजाने वाली कम चीज़ें हैं और दूसरी अदर चीज़ें, तो आप उनसे भी आइडिया लगा करके ऐसे डेकोरेटिव चीज़ें बना सकते हैं, जिससे आपके बनाए हुए चीज़ें और भी सुंदर लगे। तो अभी आप देखिएगा, हम इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर रहे हैं। जब ये इसे डेकोरेट हो जाएगा तो उसी तरीके से यह भी स्पार्कल करने लगेगा। अगर आपको ऐसी चीज़ें नहीं मिलती जिससे डेकोरेशन की जाए, तो आप ऐसे भी कुछ आइडियाज़ अपने घर पर रखी हुई चीज़ों से लगा सकते हैं। तो ये देखिए, हमने इनको कट कर लिया है। अब हम इन छोटे छोटे पीसेस को इसमें ऐसे लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए, हमें इसे इन स्पेस पर लगाना है जहाँ जहाँ आप देख रहे होंगे बहुत जगह खाली है। तो बच्चों ये देखिए, हमने यहाँ पर वो कुछ चीज़ें स्टिक कर दी हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें मार्कर लेके यहाँ छोटे छोटे अपने तरीके से डेकोरेटिव जो ड्राइंग्स पिक्चर्स होते हैं वो बनाने, हम हर्ट्स बनाएंगे ऐसे छोटे छोटे, जिससे आपका यह कार्ड और भी सुंदर लगे। तो बच्चों आप देख सकते हैं, हमने इसे स्केच कलर से इनसाइड पे डेकोरेट कर लिया है और ये हमारा इनसाइड का पोर्शन रेडी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे क्लोज कर देना है और ये जो अपसाइड है हमें इसे रेडी करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें लेना है स्केल। स्केल की हेल्प से हम इस पे ये जो सेंटर पार्ट है यहाँ पे टू लाइंस ऐसे बनाएंगे इस तरीके से, ऐसे टू लाइंस बना देंगे और अदर कलर से हम थोड़ा सा इसमें डेकोरेशन कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से, जिससे ये अच्छा लगे और आपका जो अपसाइड का पार्ट है ये अधूरा ना रहे। हम ठीक ऐसे ही नीचे भी कर देंगे, आप चाहें तो अपने तरीके से इसमें और भी डिज़ाइंस बना सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट रेडी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमने गोला प्रकार के हेल्प से एक येलो कलर के पेपर से एक सर्कल कट किया हुआ है, अब हम इसे इसके ऊपर स्टिक करेंगे फेविस्टिक की हेल्प से। ये रहा फेविस्टिक, हम इसके बैक साइड पे फेविस्टिक लगाएंगे। ये देखिए बैक साइड पे हम इसके फेविस्टिक लगा रहे हैं और हम इसे इसके ऊपर स्टिक करेंगे। फेविस्टिक आप जब भी यूज़ करें तो इसे तुरंत ही स्टिक कर दें, यानी जहां आपको इसे जोड़ना है, जॉइंट करना है, वहां आप तुरंत इसे जोड़ दें, वरना फेविस्टिक सूख जाता है। अब हम इसके सेंटर पार्ट पे ऐसे इसे रखेंगे, ठीक है। आप चाहे तो इस सर्कल को छोटा भी कट कर सकते हैं और अपने कार्ड पेपर के हिसाब से कट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने बड़ा कट किया है, ठीक है, जो पोर्शन यहाँ पर सूख नहीं रहे हम उस पर फिर से फेविस्टिक लगाएंगे और अच्छे से इसे यहाँ पे रब करेंगे और स्टिक कर देंगे, ठीक है। ये जो हमारा डेकोरेटिव पार्ट था ये इससे पीछे चला गया है, पर कोई बात नहीं, आप इसे छोटा सर्कल कट करिएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने देखिए ऐसे ही स्केच कलर से जॉइंट में हैप्पी न्यू ईयर लिख करके वाइट पेपर पे मॉडल में कट किया हुआ है, जिसे हम इस येलो पेपर पर फेविस्टिक की हेल्प से
ज्वाइन करने वाले हैं। ये देखिए हमने इसके इसके ऊपर फेविस्टिक लगा लिया है, अच्छे से लगा देंगे जिससे ये बाद में निकले नहीं। और इसके सेंटर पार्ट में हम यहाँ पर इसे लगा देंगे। ओके, हम इनके चारों तरफ से इसे दबा देंगे अच्छे से। यहाँ पर हम थोड़ा सा और फेविस्टिक लगा देते हैं, ये पोर्शन जो है बार बार ऊपर आ रहा है। आप इसे छोटा सा सर्कल बनाइएगा, थोड़ा सा छोटा, जिससे आपका डिज़ाइन इसे दब ना जाए। ये देखिए ये पार्ट भी अंदर चला गया है। ठीक है, हमने दो और छोटे छोटे पार्ट्स जो ट्रायंगल शेप में होते हैं उन्हें इस तरीके से कट किया हुआ है। जो सर्कल काटने पे पेपर में साइड में बसते हैं उनकी हेल्प से हमने ये काटा है, कट किया हुआ है। तो अब हम इन्हें भी मॉडल में यहाँ पर स्टिक करेंगे। यहाँ पर हमने फेविस्टिक यूज़ कर लिया है, इस पर रब कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे इसके ऊपर ऐसे यहाँ इस कॉर्नर से ऐसे लगा देंगे। ठीक है, जिससे ये बॉर्डर के जैसे इसमें लगेगा। और ये पोर्शन हमें यहाँ पर लगाना है ऐसे। हम थोड़ा सा इसे और राउंड शेप में कट कर लेते हैं ऐसे। जिसे और ये थोड़ा मॉडल में लगे आपका जो कार्ड पेपर है। आप इसे अपने तरीके से शेप दे सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ दूसरी चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इस तरीके से। तो हम इसके बैक साइड पे यहाँ पर फेविस्टिक यूज़ करेंगे। ये देखिए ये हो गया इसका कॉर्नर, परफेक्ट कॉर्नर पे आपको इसे लगा करके ऐसे प्रेस करना है, जिससे ये और भी अच्छा लगे। ये देखिए इस तरीके से हमने इसे प्रेस कर दिया है। अब हम ये जो ऊपर का पार्ट है इसे डेकोरेट करेंगे। ये देखिए हम यहाँ भी छोटे छोटे हॉट्स बनाएंगे। तो बच्चों ये देखिए हमने स्केच कलर की हेल्प से इसमें और भी डेकोरेशंस की हैं, यहाँ बॉर्डर पे, यहाँ पर बॉर्डर पे, यहाँ छोटे छोटे हॉट्स बनाए हैं। अब हमें इसमें लास्ट वर्क क्या करना है, हमें लेना है कुछ पर्ल्स। ये जो छोटे छोटे पर्ल्स हैं जो हमने बताया था हम डेकोरेशन के लिए यूज़ करने वाले हैं, हम इन पर्ल्स को लेंगे। ये देखिए हम इन्हें अब इस पर कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम इसे रख लेते हैं। और हमें लेना है फेविकोल, और जहाँ जहाँ हमें इन्हें लगाना है हम इस तरीके से फेविकोल लगाएंगे और इन्हें यहाँ पर रख देंगे। ओके, ध्यान रहे बच्चों इस तरीके से आपके कार्ड पेपर पर फेविकोल ना लगे। तो बच्चों ये देखिए जहाँ जहाँ आपको ये बीट्स लगाने होंगे वहाँ वहाँ आप ऐसे हल्के तरीके से फेविकोल लगाएंगे, और ऐसे पहले आप लगा दीजिएगा, फिर उसके बाद एक एक करके आप बीट्स को उस पर रख दीजिएगा जिससे वो उस पर चिपक जाएंगे और आपका ये सर्कल अच्छे तरीके से डेकोरेटिव तरीके से कवर हो जाएगा। ये देखिए इससे क्या है, आपका जो कार्ड है बहुत जल्दी डेकोरेट हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से आप बहुत ही इजीली अच्छे से अपने कार्ड को डेकोरेट कर सकते हैं।
इतने पोर्शन में हमने फेविकोल लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इन बीट्स को उनके ऊपर रखना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इस तरीके से वो सूखते जाएंगे और आप ऐसे बनाते जाएंगे जिससे आपका डेकोरेशन भी होता जाएगा। तो बच्चों ये देखिए, हमने इनमें पर्ल्स लगा करके इन्हें रेडी कर लिया है। हमारे पास डेकोरेशन के लिए जो चीज़ें थी उसी में हमने इसे परफेक्ट बनाने की कोशिश की है। उसी तरीके से आप भी मार्केट में महंगे महंगे गिफ्ट और महंगे महंगे कार्ड खरीदने से अच्छा उन्हीं चीज़ों में डेकोरेशंस के और कार्ड्स बनाने के सामान घर पर ही ला करके एक नहीं बहुत सारे कार्ड्स बना सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को दे सकते हैं। जहाँ पर आप एक कार्ड्स देंगे खरीद करके, वहाँ पर आप इन सामानों से कई सारे कार्ड्स बना सकते हैं और कई तरीक़ों से बना सकते हैं जिससे वो आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे आपके हाथ से बनाए हुए। चलिए हम एक बार इसके इनसाइड देख लेते हैं, अंदर देख लेते हैं कि हमारा पोर्शन कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए, इसे ओपन करने पे कितना ब्यूटीफुल ये लुक आपको दे रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से ये ओपन होगा, जहाँ भी आप रख देंगे ये इस पोर्शन में ऐसे पड़ा रहेगा। जब यह टाइट हो जाएगा तो आप देख सकते हैं ये इस पोर्शन में जैसे कि फ़ोटो फ्रेम रखा जाता है उस तरीके से वहाँ पर पड़ा होगा। और जब भी आप अपने किसी फ्रेंड को इसे देंगे तो वह इसे ओपन करके बहुत ही खुश होगा, क्योंकि यह अंदर से बहुत ही सुंदर बना है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसे ही गिफ्ट कार्ड बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे और अपने घरों में भी सजाएंगे और अपने फ्रेंड्स को भी देंगे। और ऐसे गिफ्ट कार्ड बना करके आप अपने ग्रुप के, स्कूल के ग्रुप के ऑनलाइन ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। ठीक है बच्चों, आप लोग इन्हें ज़रूर बनाएं और अपना भी जो हुनर है आप इसमें दिखा सकते हैं और इसे ग्रुप में शेयर करके आप अपनी चीज़ें दूसरों को भी बता सकते हैं। ठीक है।